there is a saying that the most ignorant person, the most ignorant person can give best logic. क्योंकि उसको पता ही नहीं है, तो वो कुछ भी तुक्का मार के कुछ भी बोल सकता है. वो तर्क करने में he will always win the argument. The most ignorant person has better chances of winning the argument because he is ignorant. वो कुछ भी डालेगा. And the one who is aware, वो बेचारे की limitation होगी because he is aware. तो वो उल्ट पटांग कुछ भी नहीं बोलेगा. इसलिए real बनना, argument नहीं करना, तर्क नहीं देना, logic नहीं देना, reality में जीना है. Learn to live in reality. It is very important. लोग बोलते हैं, लोग ऐसा कहते हैं या सभी ऐसा करते हैं. Do you want to become सभी? Or do you want to become what you are or what you want to be? तुम शिव योग में हम क्यों कहते हैं तुम चाहते क्या हो? कहते कि नहीं कहते तुम चाहते क्या हो? इसलिए कहते हैं कि सभी वो नहीं चाहते जो तुम चाहते हो. तुम्हारी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए. तो इसलिए सब कहते हैं, सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. जो ब्राइट, जो सक्सेसफुल आदमी सिर्फ एक होता है, और एवरेज और मीडियोकर सभी होते हैं. डू यू वॉन्ट टू बिकम मीडियोकर और फेलियर, और यू वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल? अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप कम होंगे, सभी नहीं होंगे. इसलिए ये शब्द कहना कि सभी कहते हैं ये छोड़ दो, या सभी करते हैं वो छोड़ दो. तुम क्या करते हो तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देना है. आर यू विद मी? क्योंकि जो साधना है, ये साधना करते करते तुम्हारे अंदर का जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है ये जागृत होगा. मुझसे किसी ने कहा कि आपका शिव योग इतना पॉपुलर नहीं होगा जितना सब हो जाते हैं. मैंने कहा क्यों? कहते सब तो बड़ा आसान है. मैंने कहा आसान है, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? बोले हाँ, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है. मैंने कहा ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस रिलीज है, और मेरा ऑब्जेक्टिव है इनफाइनाइट पोटेंशियल जो आदमी के अंदर सोई हुई अवस्था में है उसको जगाना है. और मेरे लिए सभी होंगे भी नहीं, ये शिव योग कम्युनिटी जो है हर कोई होगा भी नहीं, वही होंगे जो रियल सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो रियल लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं. इसलिए शिव योग सबके लिए नहीं है. शिव योग उन्हीं के लिए है जो अपने भीतर के अनंत को जगाना चाहते हैं.